हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसटीईटी 2019 के रिजल्ट के खिलाफ सड़क पर उतरे अभ्यर्थी, शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने को बढ़े, पुलिस ने रोका, सीएम नीतीश कुमार को भी अभ्यर्थियों ने भेजी चिट्ठी। शिक्षा मंत्री ने 24 घंटे का समय मांगा है, तो आइए पूरी न्यूज़ को देखते हैं। एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी ने पटना में बुधवार को सचिवालय गेट से शिक्षा मंत्री के घर तक मार्च निकाला। अब यह आंदोलन का रूप लेने लगा है। सोशल मीडिया पर गुस्सा उतारने के बाद अभ्यर्थी सड़क पर उतरने लगे हैं। बुधवार को मार्च के दौरान अभ्यर्थी लगातार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। अभ्यर्थी जब शिक्षा मंत्री के आवास की तरफ घेराव के लिए बढ़े तो इको पार्क के समीप उन्हें सचिवालय थाने की पुलिस ने रोका और वापस भेज दिया। इसमें से 5 अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया और उसने 24 घंटे की मोहलत मांगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को आश्वासन देते हुए कहा कि 24 घंटे का समय दीजिए, मैं इसमें कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का कहना है कि हमसे कम नंबर वालों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और हमारा क्यों नहीं आया। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर हमारा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो हम न्यायिक प्रक्रिया का भी सहारा लेंगे और आगे आंदोलन भी जारी रखेंगे। शिक्षा मंत्री वादा पूरा करें, हम भीख नहीं मांग रहे। अभ्यर्थी अंशुप्रिया ने कहा कि 37,000 की वैकेंसी निकाली गई थी, 1,78,000 अपीयर हुए और उनमें से रिजल्ट आया 24,599 का, फिर हम लोग मेरिट लिस्ट में कैसे नहीं है। कहा कि शिक्षा मंत्री ने वादा किया था कि जो भी क्वालिफाई किए हैं उनको नौकरी मिलेगी। कहा कि हम क्वालिफाई किए हैं तो हमें नौकरी देनी ही पड़ेगी, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कैसे बाहर रह गए। अभ्यर्थी मृणाल कुमार ने कहा कि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन 24,599 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, फिर इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कैसे बाहर रह गए। कहा कि जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं सबको ज्वाइन करवाएं, मुख्यमंत्री को भी लिखा पत्र है। इससे पहले एसटीईटी परीक्षा 2019 का रिजल्ट को लेकर नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट ने 23 जून को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और मेरिट लिस्ट में अनियमितता का आरोप लगाया। संघ ने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एसटीईटी परीक्षा 2019 के परीक्षा फल जारी करने के बाद एक मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया गया है, इसमें भारी अनियमितता दिख रही है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र की कॉपी शिक्षा विभाग के अपर सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भी दी गई है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री ने वादा, मतलब शिक्षा मंत्री से ये लोग मिले हैं तो उन्होंने 24 घंटे का समय मांगा है। तो देखिए आगे क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा उससे मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।